सबसे पहले बता दूं यहां पर फर्स्ट डे अगर आपका है भी, या सेकंड डे है, या आप महीने भर से फ्लूट बजा रहे होंगे, ठीक है, तो आपको दिक्कत आ रही होंगी जैसे, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि खुद के मन से गाना आना चाहिए या बजाना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारे थॉट होते हैं आपके दिमाग में, चलते रहते दिन भर। यहाँ सिंपल मैं बता दूँ, जो बांसुरी के मंजू हुए खिलाड़ी है उनको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप तो ये वीडियो बंद कर दो। ये उन सभी मेरे भारत के दोस्तों के लिए है, या सभी जो हिंदी जानते हैं भाषा को, या फिर कहीं भी रहते हैं पूरे विश्व में, लेकिन आप बांसुरी दिल से चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, तो लेकिन होता ही यह है कि हम गुरु ढूंढते रहते हैं, या फिर बहुत सारे व्यत्यय जो है ऑब्स्टेकल्स, एक तरह की बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही है जीवन में, वो तो चलती रहती है, उसमें यह बांसुरी सीखने का भी ड्रीम पूरा नहीं हो पाता बहुत लोगों का। मुझे बहुत फ़ोन आते दिन भर, मतलब महीने में कई फ़ोन आते हैं, ये मेरे गिटार के, पियानो के, डफली, तबला, वो तो सब चलते ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा फ्लूट के भी आते रहते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ लगातार लेसन देने की, लेकिन मेरे क्लास में मैं 14 घंटे खुद क्लास ले रहा हूँ, गिटार पियानो ये सब चल रहा है क्लास में यहाँ होम टाउन में मेरे, इसलिए मैं समय नहीं दे पाता। लेकिन समय नहीं दे पाना ये कोई बहाना नहीं है, मतलब ये इससे घटिया बात तो कोई हो ही नहीं सकती, ये मेरे लिए मैं बात कर रहा हूँ। हर बार समय का बहाना देना शर्मनाक बात है मेरे लिए, तो आज मैंने डिसाइड किया, आज मेरा क्लास खत्म हुआ, दिन भर से मैं क्लासेज हो गई मेरे, बहुत 13-14 घंटे की क्लासेज हो चुकी है, मेरे चेहरे से दिख ही रहा होगा आपको, दाढ़ी मेरी सफ़ेद पड़ी हुई है पूरी, ना शेव करने को टाइम है, ना ट्रिम करने को टाइम है, सब है पड़ा हुआ, सब है मेरे पास, लेकिन अब जैसा मैं कभी सोचता हूँ दाढ़ी बढ़ाऊँ क्या, फिर सोचता हूँ यार सफ़ेद हो जा रही है दाढ़ी, तो फिर मेंटेन करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, फिर सोचता हूँ शेव कर लूँ क्या, तो फिर बच्चा लगूंगा, तो ठीक है, खैर मेन चीज़ ये है, फर्स्ट डे भी है, या जैसे महीना भी हो गया है, तू जाने ना गाना मैंने सिखाया था उसमें, और उसमें क्या है कि आपको सिर्फ सारे गम आना चाहिए फ्लूट में। अब ये फ्लूट कौन सी है क्या है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अगले अगले वीडियो में अलग अलग फ्लूट पे बनाऊंगा, बहुत सारे फ्लूट से फ्लूट रहती है, यहाँ पर मैंने ये बजा दिया, सी स्केल नेचुरल आपको दिख रहा होगा, सी नेचुरल स्केल, ठीक है, तो सी शार्प भी होता है उस पर भी आप कर सकते हैं, सी शार्प स्केल भी होती है, सी नेचुरल भी होती है, यहाँ पर जस्ट मैंने क्या किया है देखो, तीन उंगलियों से, जो अगर आप बिगिनर्स हो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, बहुत मुश्किल जाता है क्योंकि, या फिर आप ऐसे रख सकते हो, तो मिड पोर्शन जो होता है ना उंगली का, ये भी आप बंद कर सकते हो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है, और इस हाथ से मतलब राइट हैंड से, ये मैंने लेफ्ट हैंड, बांसुरी कभी भी लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, ध्यान रहे, अब राइट हैंड से जो है आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं बिल्कुल, इसके भी मिड से, ठीक है, मिड पोर्शन से होल्स बंद कर देने हैं, तो ये भी एक तरीका है, तो आप ऐसे, कर सकते हैं बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप ऐसे बजाओ, मेरी माने तो ये हाथ जो है लेफ्ट, ये इसको तो ऐसे रखो, इसको इतना भी मत रखो, शुरुआत में आपको ऐसा रखना पड़ सकता है, मतलब दोनों हाथ इस तरह से कि बिल्कुल होल बंद हो जाए, ये भी है, और ये है कि आप पहले ऐसे करो, फिर लेफ्ट हैंड को जो है वो बंद करके कोशिश करो, लेफ्ट हैंड मिड से करो बंद, और राइट हैंड जो है वो तीन उंगलियां ऐसे रखो पहले पहले शुरुआत में, ठीक है, थोड़ी माइक की आवाज़ तेज कर दी मैंने, अब क्या होगा ऐसे रखने से, क्या होगा आपको आदत पड़ेगी इस तरह से बजाने की, होता क्या है शुरुआत में फ्लूट बजाते समय ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन वो सब तो ठीक ही है, लेकिन उंगलियों से हवा निकल जाती है, लीक हो जाती है, कभी यहाँ से हवा निकल, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हवा लीक कहाँ हो रही है, पता भी नहीं चलता आपको, कहीं यहाँ से हवा लीक हो जा रही है कहीं, तो उससे सुर प्रॉपर नहीं लगेंगे, बहुत तकलीफ होगी, ठीक है, तो इससे आप क्या करो, सबसे मेन चीज़ ये हाथ इस तरह से बंद रखो, ये उंगलियाँ तीन ऐसे, और ये यहाँ पर रखो, ठीक है, इतना तो हो गया, अब गाना लिखने की बारी, आप नोटबुक ले लो या फिर इस वीडियो के साथ डायरेक्ट फ्लूट प्ले करो, ठीक है, लेकिन आपकी स्केल मैच नहीं होगी तो आप पहले नोट डाउन करो, क्योंकि हर किसी के पास अलग फ्लूट है, किसी के सी सी होगी तो डायरेक्ट
मेरे साथ बजा सकते हो। सी नेचुरल होगी तो, सी शार्प होगी तो नहीं कर सकते, या डी होगी, जी होगी, जी शार्प होगी, या कुछ भी। तो आप यहाँ पर पहले नोट डाउन करना बहुत बेहतर होता है, ठीक है। अब नोट डाउन कर लो, बड़ा सिंपल गाना है, ए आर रहमान जी का गाना, इतना फेमस है, ठीक है। अब गाना शुरू होता है यहाँ से, सारे गम आपको पता है, पहले दिन में क्या होता है, सा रे ग म, तो सा होता है ये बंद करके, जैसे कि मैंने कहा लेफ्ट हैंड, ये सा, ये रे, ये ग, ये म, म कभी भी आधा छोड़ना है, पूरा नहीं छोड़ना है, पूरा छोड़ेगा तो तीव्र म बन जाएगा, तो सा रे ग म, ठीक है। देख लो, अब ये हाथ को मैंने इस्तेमाल नहीं किया, पर अरे गम, ठीक है। अप मतलब पूरा बंद, पूरा बंद करना बहुत मुश्किल होता है, म से प जाना बहुत, स्विच करना बहुत खतरनाक है। तो मप 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 प मप मप म, ऐसे प्रैक्टिस किया करो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मप मप प मप म। और मेरा कोई गुरु नहीं है फ्लूट का, ठीक है, मैंने कहीं सीखी नहीं, किसी भी गुरु के पास सीखी नहीं, मैं बचपन से ही, मुझे शौक था तो मैं बजाते आ रहा हूँ, और जैसे कि हर बार मैं बता रहा हूँ, 10th के बाद मैंने म्यूज़िक लिया था, मेरा पूरा सब्जेक्ट ही था, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट सेट हुआ, फिर वो सब फलाना फलाना, ठीक है। तो यहाँ पर तबला विशारद मेरा हो चुका है, उसके बाद पियानो, गिटार, मैं गिटार के तो सबसे ज़्यादा लेसन होते हैं मेरे यूट्यूब पर, फ्लूट मैं सिखाता हूँ, डफली, ये सब चलता रहता है। और मैं बहुत डिसेंट, क्लियर क्लियर, मैं कुछ रखता नहीं, मेरे को कोई ऐसा है नहीं, मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे को बच्चे ही नहीं है, तो मैं ऐसा, ज़्यादातर म्यूज़िक में क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन अपने बच्चे के लिए खास संजो के रखते हैं, खास ज्ञान, और जो कचरा है आउटडेटेड वो लोगों को बताया जाता है या विद्यार्थियों को बताया जाता है। खास चीज़ जो है ये बहुत चलता है, ये बहुत खतरनाक चलता है म्यूज़िक में, खास चीज़। आप बंदिश बैंडिट्स देख लो आप अमेजोन प्राइम का, ठीक है, बंदिश बैंडिट्स बहुत देखना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, ठीक है, बंदिश बैंडिट्स देखो। मेरा कोई लेना देना नहीं उससे, ना मुझे पैसे मिल रहे भाई, ठीक है, लेकिन देखो, क्योंकि आपका ज्ञान बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं, ज्ञान बढ़ेगा और क्या हो सकता है। तो एक दिन में हो जाएगा आपका, देखना उसको, देख लो, बहुत ज्ञान बढ़ेगा आपका। यहाँ पर सा रे ग म, म आधा प्रैक्टिस की हमने, प प को बंद करना है, तो यहाँ पर प को बंद करके बजाएं, तो एक भी होल अगर खुला रह गया तो कचरा हो जाएगा। सा रे ग म प, अब धनी सा, धनी सा की प्रैक्टिस करो, इससे क्या होता है, गला खराब होगा, मैंने एक बार बताया भी था, बांसुरी बजाने से दोस्तों, हार्मोनिका बजाने से, माउथ ऑर्गन, मैं माउथ ऑर्गन सिखाता हूँ सबसे ज़्यादा, माउथ ऑर्गन वीडियोज़ है अपने, माउथ ऑर्गन और बांसुरी बजाने से, ये विंड इंस्ट्रूमेंट है, उससे आपका गला खराब होगा, ठीक है। गला खराब होगा तो आप गायकी नहीं कर पाएंगे, इतना तो ध्यान में रखना कभी। अगर गायकी सीखनी है, गायकी करनी है, अच्छा आपको लग चाहे चाहते हैं कि भाई किसी लड़के के सामने आप मस्त गाना गाए, इंप्रेस हो जाए, या कहीं भी गाए, मंदिर में गाए, लोगों के सामने, आपके समाज में आपका नाम बढ़े, आपके मारवाड़ी, गुजराती समाज, सिंधी समाज, ऐसा होता है, तो भाई गला तो खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। ये शास्त्रों में लिखा है, क्लियर कट, शायद आपको किसी ने बताया नहीं हो, लेकिन आप पूछ लीजिएगा, और मेरी बात 100% सत्य होती है। तो आपका गला फट जाएगा, खराब हो, जैसे मेरा है, मैं कैसे गाना गाता हूँ आप देखते हैं मेरे चैनल पे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत प्यार करते हैं लोग, तो प्यार करते हैं, उनको पता है कि सर भाई ऐसा है, ऐसा ऐसा, तो मैं जो है वो सच बात करता हूँ, मैं गाने भी गाता हूँ। गाना इसलिए गाना चाहिए, मेरे दिल को सुकून मिलता है, मुझे पसंद है, जैसे आपको भी पसंद है गाना गाना, मैं इसलिए गाता हूँ। मैंने इतने साल सिंगिंग सीखा, लेकिन बांसुरी भी मैं बजाती आ रहा, जब से, जब भी मुझे समय बांसुरी, तो बांसुरी बजाने से मेरी वॉइस खराब हो चुकी है। और माउथ ऑर्गन सबसे ज़्यादा, तो डायरेक्ट इनहेल करती है हवा, माउथ ऑर्गन फ्लूट से भी मुश्किल होता है, क्योंकि माउथ ऑर्गन में सक करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट, तो हवा बाहर की गंदी, और उसमें कोई फिल्टर नहीं होता है, डायरेक्ट बाहर की गंदी हवा, जैसे चार लोग बैठे तो उनका कार्बन डाइऑक्साइड मैं खींच रहा हूँ बैक्टीरिया के साथ, उनको अगर बीमारी है तो उनके इन्फेक्शन के साथ खींच रहा हूँ, या बाहर की हवा, या बाहर के कीड़े मकोड़े सब अंदर जा रहे हैं डायरेक्ट, वो भी डायरेक्ट लंग्स में, सीधे माउथ ऑर्गन में। तो वो ध्यान से करा करो, बेडरूम में बैठ के, बंद कमरे में किया करो, अकेले में, ठीक है, और परफॉर्म बहुत रेयरली किया करो बाहर लोगों के सामने, माउथ ऑर्गन का बहुत डेंजरस होता है, फ्लूट एक बार की चल गई बांसुरी, लेकिन माउथ ऑर्गन नहीं, ठीक है। तो उससे बजा बजा के आपके लंग्स तो फेफड़े चले जाएंगे काम से, और गला तो गया ही गया, ठीक है। सारे गम हो गया था, प हो गया था, प बंद करके हमने सीखा था, अब ध, तो प ध नी सा बहुत इजी है, प बन, ध एक छोड़ के, ध नी दो छोड़ के, और सा, ये लेफ्ट हैंड बंद है पूरा, तीन उंगलियों से बंद, और मैं ये लास्ट फिंगर कैसे रखते हो देखो, ताकि सपोर्ट मिले,
ये बहुत जरूरी है सपोर्ट, तो ऐसे रखता हूँ हमेशा, ये ऊपर नहीं रखना है कभी भी, ये नीचे रखना है, और फिर ये उंगलियाँ ऐसे रखता हूँ, ऐसे रखना है, आइधर आप ऐसे रखो ठीक है, और थंब नीचे है और ये उंगली ऊपर ही होती है ठीक है। तो सारे गाँव पता नहीं साहब, प हो गया और ध और नी और सा ठीक है, तो इसकी आवाज़ थी ऊंची। अब ये सबसे जरूरी चीज़ जानबूझ के मैंने जो किया ना इफेक्ट आपको समझने के लिए, ये होता है बहुत लोगों के साथ कि वो करते हैं पधनिसा, ये पधनिसा नहीं है भाई, ये अलग चीज़ है, ये पधनिसा ही है लेकिन ये लोअर ऑक्टेव है, ये लोअर ऑक्टेव मतलब इनके नीचे डॉट है, ये प ध नी सा के नीचे डॉट है, प के नीचे डॉट, ध के नीचे डॉट, नी के नीचे डॉट, ध्यान में रखिएगा। और जो रेगुलर मैं बता रहा हूँ उसमें डॉट नहीं होता है, तो उसकी आवाज़ होनी चाहिए ऊंची, तो आपको डबल ताकत से फूकनी होगी हवा। बांसुरी में गड़बड़ ये होती है इसलिए गला खराब होता है, यही बात है। सा के लिए जितनी वॉइस है उससे थोड़ी सी ज़्यादा वॉइस रे के लिए, दुगनी नहीं, दुगनी नहीं, दुगनी वॉइस छोड़ोगे सा में तो सा ऊपर का लगेगा, डॉट वाला सा। अब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बवंडर और कन्फ्यूजन चल रहा होगा, आइदर आप एक दो महीने से सीख रहे होंगे फ्लूट तो आपको पता होगा, बाद में हम नोटेशन पे जाएंगे, आखिरी में नोटेशन पे जाएंगे, तो आप स्किप कर दो, जिनको पता है वो स्किप कर दो, जिनको नहीं पता वो देखते रहो। अब ये सारे का पता नहीं सा तो हो गया, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ प पे जो है हवा आपको थोड़ी ज़्यादा फूकनी है। टाइम कितना हुआ भाई, 14 मिनट से मैं बात कर रहा हूँ, 14 मिनट, आपको जल्दी निपटाना है इसको, 18 मिनट का बनाना है मैक्सिमम वीडियो को ठीक है। अब तो हर बार मैंने थोड़ी थोड़ी 10-10% हवा छोड़ी, स रे ग म ऐसे चुप करा, प पे थोड़ी ज़्यादा हवा, फिर ध पे और ज़्यादा हवा, नी पे और ज़्यादा, और सा पे दुगनी हवा, दुगनी मतलब डबल वाली। तो अब ये सा पे बहुत ज़्यादा हवा छोड़ी मैंने, तब बजा सा, तो सा नी ध प म घ रे सा। अब सा के नीचे भी मैं जा सकता हूँ, तो किसी भी फ्लूट में सा नी ध प ऐसे हो, सा नी ध प, तो ये आवाज आएगी सा नी ध प ठीक है। अब सा रे गा मा पा धा नी सा, तो वो ऊपर का सा है, इतना तो शायद आप समझ गए होंगे, आवाज ऐसा, आवाज़ का एक चढ़ उतार होता है, आरोह अवरोह जिसे हम कहते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करना होता है रोज डेली में आपको, सा फिर सा 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 रे रे, तो सा 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 नी 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 ध ध, उल्टा भी करो ऐसे, अलंकार की प्रैक्टिस किया करो, तो इस तरह से आपकी उस पे कमांड आएंगे, फिर सा रे ग रे ग म घ म प म प ध प ध नी, तो सा रे ग रे ग म घ म प म प ध प ध नी सा नी ध नी ध प ध प म प म घ म घ रे सा, इस तरह से आपकी कमांड आएंगी ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, 16 मिनट हो चुके। हाँ तो यहाँ पर आपको आसान जाने के लिए डायरेक्ट मैं मोबाइल पे नोटेशन बना देता हूँ, आप देखिए इसको ठीक है, और फिर फ्लूट तो आपको मैं सिखा चुका सारे गाँव पता नहीं सा, तो ध्यान दीजिएगा कि डॉट वाला प नीचे वाला प कैसे कैसे होगा नोट्स में, ताकि हमारा समय बचे। ओके अब ये है भाई नोटेशन, ओ पनी धसा नी नी, इसमें हमारा समय बचेगा ठीक है, पनी धसा नी नी धरे सनी नी ठीक है, फिर से देखो, ओ दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन के भोली सी आशा। अब तो इसका इसका नोटेशन था पनी धसा नी नी, पनी धसा नी नी, तो प के नीचे डॉट, ध के नीचे डॉट, नी के नीचे डॉट, ओके प ध नी के नीचे डॉट, तो पनी धसा नी नी धरे सनी नी, नी 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 के नीचे डॉट, धरे सनी नी, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, धरे सनी नी। अब लिखो मस्ती भरे मन के, उसका लिखो पनी धसा नी नी, मस्ती भरे मन के सेम, भोली सी आशा उसका भी सेम, धरे सनी नी भोली सी आशा। आप लिखो वो चांद तारों को, मतलब लिखो रे रे ग रे ग रे रे ग रे रे ग ग ठीक है,
रे 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 ग, लिखो ग ग म ग ग म म, ग ग म ग ग म म। अब लिखो ग म ग रे नी सा सा, मतलब चांद तारों को। रे रे ग रे रे ग रे ग रे ग ग रे ग रे रे ग ग चांद तारों को। अब लिखो छूने की आशा, ने की आशा। ग ग म ग म म, छूने की आशा। ग ग म ग म म, आसमानों में। रे ग रे सा नी सा सा, रे ग रे सा नी सा सा, रे ग रे सा नी, नी के नीचे डॉट, ठीक है। रे ग रे सा नी सा सा, रे ग रे सा नी सा सा, आसमानों में उड़ने की आशा। धरे सा नी नी, ध के नीचे डॉट, रे सा नी नी के नीचे डॉट, धरे सा नी नी। फिर से दिल है छोटा सा। ओके, महक जाऊं मैं। अब लिखो महक जाऊं मैं, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, ठीक है। बहक जाऊं मैं आज तो ऐसे, महक है जैसे बहक जा। रुको रुको, मुझे याद नहीं आ रहा। बहक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में मैं। ओके ओके, मेरा थोड़ा गलती। आप लिखो बहक जाऊं मैं आज तो ऐसे, उसका लिखो बहक जाऊं मैं, ठीक है। उसका लिखो रे 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 नी धा पो, रे 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 नी धा पो, ठीक है। रे 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 नी धा पो, नी के नीचे डॉट, ध के नीचे डॉट, प के नीचे डॉट। सिंपल है, इतना भी मुश्किल नहीं, आप कर लेंगे, ठीक है, इजीली। रे 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 नी धा पो, नी के नीचे डॉट, ध के नीचे डॉट, प के नीचे डॉट। रे 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 नी धा पो, बहक जाऊं मैं। अब लिखो आज तो ऐसे, उसका लिखो पध नी सा नी ध, पध नी सा नी ध, प के नीचे डॉट, ध के नीचे डॉट, नी के नीचे डॉट, पध नी सा नी ध, ठीक है, सबके नीचे डॉट, प ध नी के नीचे डॉट। सा को तो भूल जाओ, उसका तो डायरेक्ट होता है, पध नी सा नी ध। अब लिखो बहक जाऊं मैं आज तो ऐसे, इतना हो गया। फूल बगिया में बहके है जैसे, उसका भी सेम होगा, वो कॉपी करो, सेम एज अबाउ। फूल बगिया में महके है जैसे। ओके, ये हो गया। बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया, उसका लिखो बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया। वाह वाह वाह। प ग रे रे ग ग, प के नीचे डॉट, प प ग रे ग ग, प ग रे ग ग। अब लिखो बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया, ओढ़ू चुनरिया का लिखो। ग म प ध प म, ग म प ध प म, ठीक है, ग म प ध प म करो, ग म प ध प म, ग म प ध प म ओढ़ू चुनरिया। म के ऊपर खड़ी लकीर करो, तीव्र म है वो, सादा म नहीं है, म सीधी लकीर, म के ऊपर सीधी, ऊपर जैसे टीका लगाते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है और वो कहाँ बजता है, मैं अभी फ्लूट में बताता हूँ, रुको पहले लिख लो, ठीक है। ग म प ध प म, अपनी चोटी में बांध लूँ गुड़िया, ठीक है। अपनी चोटी में, रे प म ग रे ग सा, रे प म ग रे ग सा,
रे प म ग रे ग सा ध रे सा नी नी, तो ध के नीचे डॉट, ध रे स नी नी, नी के भी नीचे डॉट, दोनों नी, ध रे स नी नी, अपनी चोटी में बांध लो गुड़िया। ओके, इतना तो इजी है। ठीक है, इसके बाद क्या शुरू हुआ? फिर से दिल है छोटा सा, बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, ये गाना तो यहाँ पर परफेक्ट हो चुका है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब बारी आती है फ्लूट पर जो नोट्स है उसको समझने के। बड़ा ही सिंपल फंडा है। मोबाइल पर इसलिए किया, मोबाइल पर मैं फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं बड़ा पियानो बजा ले रहा हूँ, तो मोबाइल पर नोटेशन यहाँ पे क्या होता है, मैं बोलूँ कि बजाऊँ कि फूफू करूँ तो ये टाइम वेस्ट हो जाता था, आपका भी मेरा भी। अब क्या है सिंपल, आपको क्या करना है, दिल है छोटा सा, नोटेशन आपके सामने है, तो आप सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या आएगी, पहला ही नोट है प के नीचे डॉट है, ध के नीचे डॉट है, नी के नीचे डॉट है, ये क्या चीज़ है, इसको समझ लो। जब भी डॉट आता है किसी भी चीज़, किसी भी नोट्स के नीचे, तो आपको धीरे बजाना है फ्लूट। जैसे हमने सीखा अभी सा रे ग म, यहाँ कोई डॉट था क्या? नहीं, सादा था, तो आपने बजाया सा रे ग म, मैंने सीखा, फिर प बजाया, फिर अब जो प बजाया वो ऊंचा था क्योंकि मैंने क्या सिखाया, अब ये जो प था ये ऊंचा वाला प था। ठीक है, सा रे ग म प, लेकिन हमको चाहिए नीचे डॉट, प के नीचे, तो कैसे बजेगा वो? तो कभी भी किसी अक्षर के नीचे अगर डॉट हो, जैसे प के नीचे, ध के नीचे, नी के नीचे, तो आपको वो धीरे बजाना है। कैसे बजेगा? धीरे। अगर यही डॉट नहीं होता, डायरेक्ट होता, तो आप तेज बजाते। समझ गए? इतना सिंपल है। आपको धीरे, जब भी डॉट है आपको उसी बटन को धीरे बजाना है। ठीक है, उसी स्वर को धीरे बजाना है। डॉट नहीं रहा तो उसी स्वर को रेगुलर बजाना है, मतलब तेज हवा फूकनी है आपको। अब उसमें भी एक सुर था जो था तीव्रम। ठीक है, कठिन वाला। अब वो जो तीव्रम चीज है वो क्या है, जब भी हम सारे ग म सीखते हैं तो सारे ग म को अगर हम खोल दे, पूरा खोल दे, मतलब लेफ्ट हैंड को खोल दे, सिर्फ राइट हैंड में ही बांसुरी रखे, तो वो बजेगा तीव्रम। ये था तीव्रम, सा रे ग म, तीव्रम डायरेक्ट। ठीक है, अब अगर हमको सादा म बजाना है, एक बार सादा म भी आया तो हम कैसे बजाएंगे? आधी उंगली ही छोड़ेंगे, पूरा नहीं छोड़ना है, आधा लिक करना है, आधा। तो आधा लिक करना बहुत मुश्किल होता है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, कि कुछ लोगों को डायरेक्ट आता ही होगा, सारे ग म सारे ग म, ये तीव्रता, जिसके ऊपर टीका है। तीव्र म मतलब पूरा छोड़ना है, जिसके ऊपर खड़ी लकीर, मैंने बोला म के ऊपर खड़ी लकीर। और जो सादा म है उसके पे कोई लकीर वकीर कुछ नहीं, ना डॉट है कुछ नहीं, सारे ग म है, प्लेन म है, तो प्लेन म को आप आधा पकड़ेंगे, प्लेन म आधा, और जो तीव्र म है जिसके ऊपर लकीर है वो पूरा छोड़ना है। सारे ग म मतलब सिर्फ बांसुरी डायरेक्ट राइट हैंड में पकड़ी रहेंगे आपने, खत्म। ये थे दो इसके ऊपर के जो थोड़े कठिन थे इस गाने में। तो हर गाने में जब भी मैं गाना सिखाऊंगा आपको नया कुछ, तो उसमें वोकेबलरी रहेंगी पीछे, एक तरह की ग्लॉसरी, मतलब शब्दों का भंडार होगा। तो जैसे आप बचपन में कविताएं पढ़ते थे तो उसके पीछे शब्द होते थे, तो 10 शब्द होते थे, वह हम नए शब्द हमको पता चलते थे, अच्छा इस कविता में या इस चैप्टर में कुछ नए 10 शब्द आए। जरूरी नहीं पूरा ऑक्सफर्ड का वो डिक्शनरी लर्न करने की इंग्लिश की। अब यहाँ पे भी सेम है, हर गाने में कुछ नया फंडा होगा। ये मत सोचना कि मेरे को पूरा आना चाहिए, पूरी IAS की स्टडी एक ही दिन में नहीं करना है, रात में किताब लेके नहीं बनने वाला ऐसे कलेक्टर। धीरे धीरे समझ के पचाना है उसको, डाइजेस्ट करना है। आज मैंने जितना नया सीखा है उतना ही करो, ये गाना परफेक्ट बजना चाहिए, दिल है छोटा सा, ठीक है पूरा, तो तब तो आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर नेक्स्ट गाना, फिर कबीर सिंह के गाने, तुझे कितना चाहने लगे वगैरह वगैरह, फिर आशिकी के है सब है, अरिजीत सर के है, सनम पुरी जी की, जितने भी उन्होंने रिमिक्स किए ना सारे गाने, वो बहुत अच्छे गाने हैं। अनप्लग स्टूडियो है, कोक स्टूडियो के गाने होते हैं, मिक्स टेप के गाने होते हैं, अरमान मलिक, सुनिधि चौहान, कुमार सानू, उदित नारायण, बहुत सारे, किशोर कुमार, लेजेंड, लता मंगेशकर, सब वो हम करेंगे धीरे धीरे। उसमें दिक्कत ही होगी, सब कुछ तो मुफ्त में नहीं मिल सकता ना, सिंगल समोसा भी मुफ्त में नहीं मिलता है। तो ये गाने मैं ऐसे दूंगा और फिर आधे गाने अटक जाएंगे, मतलब गाना कोई भी आधा ही होगा, उसके बाद लिखा रहेगा कि आप ज्वाइन करो। ज्वाइन अकाउंट करने से अंदर जो है ज्वाइन चैनल में गाने आए रहेंगे, तो उसमें पूरा हर गाने का स्थाई होगा फ्री, और अंतरा जो है खास गाने का
अंतरा, वो होगा ज्वाइन करो। तो आप अगर ज्वाइन मेंबर है तो आपको फ्री वाला भी कंटेंट तो एक्सेस कर दिया आता है, फ्री वाला तो कोई भी तो फ्री वाला भी मिलेगा और पेड वाला भी मिलेगा, और उसकी फीस है 600 रुपये पर मंथ है। तो आप ऐसा नहीं कि हर मंथ करो ही, अब मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको ना कि आपने 600 रुपये भर दिए तो आप मेरी जान पकड़ो कि सर ऐसा ऐसा, वो विश्वास की बात है। मैं वीडियोस डालते रहूंगा आपको, जब करना है इस साल करो, अगले साल करो, जब भी आपकी इच्छा है, वो कोई ज़रूरी बात नहीं है। आपको अगर ये गाने पसंद आ रहे हैं फ्री वाले, तो आपको दिखेगा कि अरे सर फ्री में, अब जैसे ये तो पूरा ही फ्री दे दिया मैंने, अब अगले अगले गाने क्या होगा, थोड़ा सा मैं सिखाऊंगा, उसके बाद मैं नोटेशन नहीं दूंगा, नोटेशन आधा ही दूंगा, और आपकी जान पकड़ लूंगा कि आधा नोटेशन दिया आधा अटक गया, तो आधा नोटेशन होगा ज्वाइन बटन में। तो इस तरह से दोनों दोनों वो चलेंगे, ताकि क्योंकि ये जो चल रहा है सिलसिला, अब मैं पसीना पसीना यहाँ पे होके, मेरे पास एसी वेसी सब होके भी, पंखा बंद करके फैन बंद करके मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ घंटों घंटे, और ये आपके लिए 16 17 20 मिनट की वीडियो के लिए मेरी जान खपती है 5 5 घंटे की, एडिटिंग करो फलाना ढिमकाना, इतना परेशान काम होता है आप जानते हैं, तो मुफ्त में तो नहीं हो सकता। और आपके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, और अब तक तो मैं करते आ रहा हूँ, 2 मेगापिक्सल कैमरे से मैं इतना सारा करते आ रहा हूँ, अभी DSLR ये सब सब सब, तो उसके कुछ तो चार्जेस बनते हैं। तो 600 रुपये पर मंथ है, वो भी आपकी इच्छा पे है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अगर वो गाने चाहिए होंगे, जैसे क्लास में यहाँ लोग 4 4 हज़ार भर रहे हैं मेरी फीस, और वो गाने सीख रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए सुकून लाइफ में, तो आप 600 रुपये तो भर ही सकते हैं इतनी दूर बैठ के, है ना, आराम से, सिंपल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप इसको ठीक से करिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे बिल्कुल कमेंट में सवाल कीजिए कि सर हमको ये दिक्कत आ रही है ऐसा ऐसा, और नेक्स्ट वीडियो में उसको बिल्कुल उस मुद्दे को उठाएंगे। बाय।